हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि HTML में अगर आप फ्रेम्स का प्रयोग करना चाहते हैं तो वो कैसे करते हैं। तो मैंने आपको सबसे फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम जब भी कोई वेब पेज बनाते हैं तो उस वेब पेज को बनाने के लिए हम हमेशा इन सारे टैग्स का प्रयोग करते हैं, जिसमें HTML होता है, हेड होता है, टाइटल होता है और बॉडी होती है। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि हम जब भी फ्रेम बनाएंगे तो फ्रेम के लिए कोई बॉडी टैग का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि किस तरीके से फ्रेम का यूज हम कर सकते हैं। तो पहले आगे बढ़ने के मैं आपको ये बता दूं कि जो फ्रेम हम लगाते हैं वो हम इसलिए लगा रहे हैं कि हम अपने वेब पेज में एक पेज की जगह पे मल्टीपल पेज डिस्प्ले कर सकें। तो उसके लिए हम यहाँ पे फ्रेम सेट टैग का यूज करते हैं, और फ्रेम सेट में हमें डिफाइन करना होता है एक एट्रीब्यूट जिसका नाम है रोज या कॉलम। इसमें ये डिफाइन करते हैं कि हमारा जो पेज है उसको हम कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं कि रो में डिवाइड करना चाहते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे अभी रोज में डिवाइड कर रहा हूँ, तो जैसे मैंने यहाँ लिखा 30% एंड 70%। फ्रेम सेट जो है वो हमारा पेयर टैग है, इसको हम इसलिए बंद कर रहे हैं यहाँ पे, और इसको हम सेव करके अब यहाँ रिफ्रेश करते हैं। मैंने यहाँ पे पेज ऑलरेडी खोल रखा है, तभी यहाँ कुछ चेंज नहीं दिखेगा क्योंकि हमने यहाँ पे अभी ये नहीं लिखा है कि दो पार्ट में डिवाइड तो किया हमने, बट किस फ्रेम में क्या दिखेगा वो हम लिखेंगे अभी। इसके लिए हम यहाँ पे फ्रेम SRC का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम ये डिफाइन करेंगे कि हमें यहाँ पे कौन सा पेज डिस्प्ले कराना है। तो सपोज यहाँ पे सबसे पहले मैं पेज डिस्प्ले करना चाहता हूँ image.html काला, और यहीं पे क्योंकि हमने यहाँ पे फ्रेम सेट में लिखा है कि हमें दो फ्रेम चाहिए हैं, इसलिए हमें दो फ्रेम को अलग अलग डिफाइन करना होगा। और यहाँ पे सपोज मैं list.html को डिफाइन करता हूँ। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट ऊपर मतलब 30% में हमारा ये जो इमेज वाला पेज है वो डिस्प्ले हो रहा है, और नीचे ये यहाँ पे लिस्ट वाला पेज डिस्प्ले हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मैं एडजस्ट भी कर सकता हूँ, तो ये हमारा एक फ्रेम बन गया। अब इस फ्रेम को मैं चाहूँ तो कॉलम में भी डिवाइड कर सकता हूँ, तो उसके लिए मैं COLS का यूज़ करूँगा। और यहाँ पे आप देखोगे हमारा जो पेज है वो कॉलम में डिफाइन हो गया है। इसी तरीके से हम चाहें तो कॉलम भी दो नहीं, आप तीन बना सकते हैं, चार बना सकते हैं, कितने भी कॉलम में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो बस मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए सपोज मैंने इसको कर दिया 25%, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 50%, और जो रिमेनिंग बचा उसको हम लिख देंगे यहाँ पे 25%। तो अगर मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे खाली अभी एक पेज है, यहाँ पे हम एक और फ्रेम SRC लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम पेज का नाम लिख सकते हैं। सपोज हमारी table.html भी हमने बनाई थी। आपको ध्यान में रखना है कि ये सारे पेज वही होने चाहिए जहाँ पे आपका ये फ्रेम वाला पेज है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि सारे जो पेजेस हैं हमने वो सारे एक ही फोल्डर के अंदर रखे हुए हैं। हम जब यहाँ पे साइज डिफाइन करते हैं तो जो लास्ट वाला जो साइज है उसकी जगह पे हम एस्ट्रिक साइन लगा सकते हैं। एस्ट्रिक का मतलब होता है कि जो रिमेनिंग साइज बचती है वो थर्ड कॉलम के लिए या थर्ड रो के लिए डिफाइन कर दो। पर आपको ध्यान में ये भी रखना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कॉलम और रोज यहाँ पे कितने भी हो सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे अभी दो ही फ्रेम लिख रहा हूँ, और मैं यहाँ पे सपोज 25% और बाकी जो 75% बचेगा वो हमारा सेकेंड कॉलम में आ जाएगा। दोस्तों वैसे तो फ्रेम का यूज़ अब नहीं होता है, बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बस ये बता रहा हूँ। तो एक चीज़ और हम यहाँ पे देख लेते हैं कि फ्रेम सेट में अगर हमें नेस्टेड फ्रेम का यूज़ करना है तो वो हम कैसे करेंगे। अब अगर हम जैसा चाहते हैं कि हमारा जो सेकंड फ्रेम है, जैसे हमने फ्रेम बनाया है अभी, तो फर्स्ट फ्रेम में तो हमारा इमेज वाला पेज दिख रहा है और सेकेंड फ्रेम में हमारा list.html वाला पेज डिस्प्ले हो रहा है। अगर हमारी रिक्वायरमेंट है ऐसी कि जो हमारा सेकेंड पेज है या सेकेंड फ्रेम है इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं रोज में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम नेस्टेड फ्रेम का यूज़ करते हैं। नेस्टेड फ्रेम का मतलब होता है कि हमें यहाँ पे जो सेकंड फ्रेम है उसको दो पार्ट में ब्रेक करना है। बहुत आसान होता है, जिस फ्रेम को भी हमें ब्रेक करना है, जिस फ्रेम के अंदर फ्रेम करना है हमको, उसके लिए हम लोग यहाँ पर फ्रेम सेट का यूज़ करेंगे जस्ट ऊपर। और चूँकि हमने यहाँ पर एक और फ्रेम सेट चालू किया है तो हमें एक और फ्रेम सेट बंद करना पड़ेगा, तो मैं इसकी कॉपी पेस्ट करता हूँ। और अब यहाँ पे हमारे इसमें दो हो गए फ्रेम, और यहाँ पे हम लिख देंगे कॉलम, क्योंकि अब हमें या रोज लिख सकते हैं, हमने रोज लिख दिया। और यहाँ पे अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ हमारे क्या हो गए, तीन
डिवाइड फॉर्म में, हमने तीन फॉर्म में डिवाइड कर रखा है। तो फर्स्ट वाले में हमारा यहाँ पे देखेंगे आप, एक पहला पेज डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, तो अब एक साथ हमारे तीन पेज डिस्प्ले हो रहे हैं। और यहाँ पे तीसरे फ्रेम में मैं टेबल डॉट एचटीएमएल को कॉल कर देता हूँ, ठीक है। कई बार जब आप रिफ्रेश करते हो और आपको अगर आउटपुट नहीं मिलता है रिफ्रेश करने के बाद भी, तो आपको ध्यान रखना है या तो आपने फाइल को सेव नहीं किया है, क्या आप कंट्रोल प्लस F5 प्रेस कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो आपके कंप्यूटर में जो ब्राउज़र है वो जो उसने अगर मेमोरी में जो भी स्टोर कर लिया होगा वो उसको डिलीट करके रिफ्रेश करेगा पेज को। तो इस तरीके से हम अपने फ्रेम्स में ऐसे मल्टीपल पेजेस को डिस्प्ले कर सकते हैं। फ्रेम सेट के अंतर्गत हमें एक और बात सीखनी है यहाँ पे, और वो है कि अगर हम ऐसा चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे एक फ्रेम में एक पार्ट में हमारी लिंक्स दिखें और दूसरे पार्ट में हम जब उस लिंक्स पे क्लिक करें तो दूसरे पार्ट में उसका पेज डिस्प्ले होना चाहिए, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे एक पेज बना के रखा है पहले से links.html नाम से, जिसमें मैंने हमने जो चार पेज पहले से बना के रखे हैं उनकी लिंक्स मैंने दे दी यहाँ पे, जैसे फर्स्ट पेज लिस्ट। अगर मैं इस पेज को यहाँ पे ओपन करके आपको दिखाऊंगा तो आप देखोगे कि मैं अगर क्लिक कर रहा हूँ किसी पेज पे भी तो वो पेज वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब इसको हम कैसा चाहते हैं कि यहाँ पे जो फ्रेम पे इस हिस्से में हमारी लिंक्स दिखें और जब हम किसी भी लिंक्स पे क्लिक करेंगे तो उसका जो पेज है वो यहाँ डिस्प्ले होना चाहिए। तो ये हम कैसे करेंगे हम देख लेते हैं। पहले तो हम सिंपल जो हमने फ्रेम बनाया था उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं ये जो फ्रेम सेट नेस्टेड फ्रेम सेट हमने यूज़ किए थे वो हम इसको अलग कर दे रहे हैं। बाय डिफॉल्ट हम चाहते हैं कि वहाँ पे लिस्ट वाला पेज दिखे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कौन सा पेज दिखना चाहिए जो हमने लिंक्स वाला बनाया है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस F5 प्रेस करेंगे हम लोग एक बार, तो यहाँ देखोगे कि यहाँ सारे हमारे लिंक्स आ गई जो हमने लिंक्स वाला पेज बनाया था। अब जब मैं लिंक पे क्लिक करूंगा तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पेज है वो यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ इस वाले फ्रेम में आना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले तो जो हमने फ्रेम बनाए हैं उनका हमें एक यूनिक नेम डिफाइन करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे नेम इसका फर्स्ट वाले का रख दिया F1 और इसका मैंने दिया F2। अब हमें क्या करना है कि जो लिंक्स वाला पेज है इसमें कोडिंग हमें चेंज करनी पड़ेगी थोड़ी सी, इसमें हमें कुछ एट्रीब्यूट्स हैं वो चेंज करने पड़ेंगे। तो बहुत सिंपल है, हम यहाँ लिंक्स वाला पेज खोलेंगे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे टारगेट, ठीक है। मैंने आपको ये पहले भी बताया है टारगेट, और हमने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अभी क्या लिखा था ब्लैंक यूज किया था अंडरस्कोर ब्लैंक नए टैब में खोलने के लिए। बट इस बार हम क्या करेंगे यहाँ पे उस फ्रेम का नाम लिख देंगे, फ्रेम का नाम क्या है F2। यहाँ पे F2 लिखा, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए जब मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो जो पेज है हमारा वो इस वाले फ्रेम में आ रहा है। तो इस तरीके से सारी जो लिंक्स हैं उनको हम नाम चेंज करके यहाँ पे टारगेट जो है वो F2 दे देंगे। ध्यान रखना कि F2 जो है वो हमारे सेकेंड फ्रेम का नाम है, तो ये इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ इसको। अब किसी भी पेज पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे किसी भी लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो आप देखोगे उसका जो पेज है वो बाजू वाले जो फ्रेम सेकंड फ्रेम है उस पर डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से भी हम लोग जो फ्रेम सेट है उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे टारगेट एट्रीब्यूट का यूज किया है। जो फ्रेम्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो हमने देख लिया ये फ्रेम सेट और दूसरा होता है आई फ्रेम। आई फ्रेम को हम बोलते हैं इंटरनल फ्रेम। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक और पेज, पहले मैं कोई भी पुराना पेज जो हमने बनाया था हम उसको ओपन कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इमेज वाला जो पेज हमने बनाया था ये वाला, वो मैं ओपन कर लेता हूँ। इसको मैं कंट्रोल ओ दबा के यहाँ पे ये इमेज मैंने ओपन कर लिया। अब इस पेज में सपोज यहाँ पे कहीं नीचे हमें लिस्ट वाला पेज डिस्प्ले करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं आई फ्रेम का यूज़ कर सकते हैं। हम देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे आई फ्रेम और आई फ्रेम में हम लिखेंगे SRC और यहाँ पे हम आई फ्रेम को क्लोज भी करेंगे क्योंकि ये जो हमारा आई फ्रेम है ये पेयर टैग है। और यहाँ पे हमें कौन सा पेज डिस्प्ले करना है list.html। अब मैं यहाँ रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे एक इंटरनल फ्रेम बन गया, एक बॉक्स बन गया जिसके अंदर हम चाहें तो इस फ्रेम की साइज को कंट्रोल कर सकते हैं और उसके लिए यहाँ पे हम विड्थ और हाइट का यूज कर सकते हैं। तो सपोज यहाँ पे मैं विड्थ 100% दे रहा हूँ, आप चाहें तो पिक्सल में भी डिफाइन कर सकते हैं। परसेंट में देने से क्या होगा कि जितनी भी पेज की साइज होगी विड्थ होगी उस हिसाब से
ये फ्रेम की जो साइज़ है आई फ्रेम की, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। आप चाहें तो यहाँ पे हाइट भी डिफाइन कर सकते हैं, बहरहाल मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ। तो इस तरीके से हम आई फ्रेम का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने जाना भी कि किस तरीके से फ्रेम्स को यूज़ कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। अगर आप फ्रेम सेट यूज़ करना चाहते हैं तो आपको उस पेज में बॉडी टैग का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। दूसरा ये कि जो फ्रेम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो हमने देखा फ्रेम सेट, और दूसरा होता है आई फ्रेम, जिसके लिए हम इंटरनल फ्रेम जिसको बोलते हैं, और आई फ्रेम के लिए ये हमारा टैग है आई फ्रेम src इक्वल टू लिस्ट डॉट html। तो यहाँ पे हमारा लिस्ट वाला जो पेज है वो इस फ्रेम के अंदर आ गया। इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।